डाकघर में इन दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को स्पीड पोस्ट करने वालों का तांता लग गया है। केंद्रीय मंत्रालय को एक फॉर्म भरकर भेजा जा रहा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रत्येक बेटी के खाते में 2 लाख रुपए डालने की चर्चा है। हालांकि संबंधित अधिकारी एवं मंत्रालय इस बात को साफ कर चुका है, किसी योजना के तहत खाते में धन जमा करवाने की सरकार की कोई योजना नहीं है तथा बाजार में उपलब्ध फॉर्म फर्जी है। बावजूद इसके निर्देशों को अनदेखा कर धड़ाधड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। पोस्टमास्टर हरीश शर्मा ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 200 से अधिक स्पीड पोस्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। अधिकांश मामले दारट बगला पंचायत व मसोली के देखे गए हैं, जिन फॉर्म को पंचायत प्रधान द्वारा भी सत्यापित किया गया है। एसडीएम अमित मेहरा का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत किसी प्रकार का नकद हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।